हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, डैट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जिसको हम हिंदी के अंदर करेंगे कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत। देखो, जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कह सकते हैं। जो डेविड रिकार्डो है, उसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के अंदर जो है लगान के संबंध में एक सिद्धांत दिया है। और जो परंपरावादी अर्थशास्त्री जेम्स एंडरसन ने रिकार्डो से पहले ये विचार दिया था कि लगान इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है, कुछ भूमि कम उपजाऊ होती है, तो लगान जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति के अंदर जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है। और उसी तरह जो माल्थस है, उनके अनुसार भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर, इसका अर्थ होता है कि भूमि का एक निश्चित क्षेत्र का अर्थ होता है कि जब हमारे पास भूमि जो होती है लिमिटेड होती है, जैसे मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, तो अगर उस पे क्या है कि मैंने गहन खेती करनी है, गहन खेती का अर्थ होता है कि लैंड का टुकड़ा तो सेम है, उस पे अगर हमने अपनी पैदावार को बढ़ाना है तो मुझे लेबर और कैपिटल की मात्रा को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेबर और कैपिटल की मात्रा जो है इंक्रीज करती जाऊंगी, उसकी उत्पादिता जो है सीमांत उत्पादिता पहले से कम होती जाएगी। उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिकार्डो है, उसने रेंट को किस तरह से डिफाइन किया है। लगान भूमि की उपज का वो भाग है जो भूमि में मौलिक तथा विनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। देखो, जो रिकार्डियन है, उन्होंने ये मानना है कि जो लगान है वो सिर्फ भूमि को उत्पन्न होता है, और भूमि की जो मौलिक और अविनाशी शक्तियां, मौलिक का मतलब होता है कि जो कुदरत ने भूमि को उत्पन्न किया है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि जो भूमि के अंदर वही ओरिजिनल, और जो शक्तियां होती है जिनको हम डिस्ट्रॉय या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, और जो भूमि के ऊपर जो पैदावार होती है, जो हिस्सा जो हम लैंडलॉर्ड को देते हैं, डैट इज कॉल्ड रेंट। और जो रिकार्डियो है, उसका ये मानना है कि जो लगान है सिर्फ जमीन को ही पैदा होता है और किसी फैक्टर को नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि जो रिकार्डियन थ्योरी है, उसकी जो अजम्पशन है कि भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है, कुछ भूमि बढ़िया होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, और कुछ भूमि जो होती है घटिया होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंट उत्पन्न होता है। और दूसरा जो है, भूमि की पूर्ति जो है फिक्स होती है, भूमि की पूर्ति जो है कुदरत ने दी होती है, जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, और भूमि का केवल एक ही प्रयोग होता है, अर्थात उस पर खेती बाड़ी हो सकती है और किसी प्रयोग के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और जब हम ज्यादा बढ़ाने के लिए लेबर और कैपिटल की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो उस पर घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है एक जमीन ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता, और भूमि पर खेती का कार्य जो है उपजाऊ शक्ति के कर्म के अनुसार किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो ज्यादा फर्टाइल लैंड है उसको पहले कल्टीवेट किया जाता है, उस पर खेतीबाड़ी पहले की जाती है, और जो कम उपजाऊ है उस पर खेतीबाड़ी बाद में की जाती है। और जैसे ही जनसंख्या के अंदर जो है वृद्धि होती है, तो उसी तरह क्या होता है कि कृषि पदार्थों की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि जो रेंट है उसको हम किस तरह से जो है डिटर्मिन कर सकते हैं। देखो, जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है वो कहती है, एक तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जिसको विस्तृत खेती कहते हैं, एक गहन खेती जिसको हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है। देखो, विस्तृत खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, यहां पे हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर 4 तरह की जमीन है, ABCD। जब किसी देश की जनसंख्या जो है बहुत ही कम होती है, तो उसपे ए जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ वाली खेती है, जमीन है, उस पर खेती की जाती है, और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये जमीन खत्म हो जाती है, तो लोग जो है शहर के बाहर जाते हैं, तो बी के ऊपर भी कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। जब बी जमीन खत्म हो जाती है, तब वो सी जमीन को भी कल्टीवेट करते हैं, उसी तरह डी लैंड को भी वो कल्टीवेट करते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है। और यहां पे क्या होता है कि डी जो है वो जमीन होती है जिसके ऊपर क्या है, कोई रेंट जो है उत्पन्न नहीं होता, जिसको हम मार्जिनल लैंड भी कह सकते हैं। तो इसको हम टेबल के फॉर्म में करते हैं। देखो, हमारे पास क्या है कि जो जमीन है उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ABCD। ए जो है उसके ऊपर उत्पादन जो है 10 क्विंटल होता है, बी के ऊपर जो है 8 क्विंटल होता है, सी के ऊपर 6 क्विंटल होता है, और डी के ऊपर जो है 4 क्विंटल होता है। और देखो, जो डी है वो लैंड है जिसके ऊपर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता, तो ए के ऊपर जो है रेंट कितना होगा, 10 - 4 6 क्विंटल, बी के ऊपर 8 - 4 4 क्विंटल, सी के अंदर 6 - 4 2 क्विंटल, और डी जो है इसके ऊपर कोई
जो है रेंट जो कोई लगान जो है उत्पन्न नहीं होता। उसी तरह हम इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए जो है ओ एक्सिस पे हम ग्रेड्स ऑफ लैंड लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्शन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि नेचुरली यहाँ पे जो डी भूमि है उसके ऊपर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि किस इसको हम कॉस्ट वक्र के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के द्वारा क्या होता है कि कीमत जो है निर्धारित होती है। और जो डी लैंड है देखो इसके अंदर क्या है कि कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे प्राइस जो होती है कॉस्ट के बराबर होती है। देखो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे क्योंकि गिवन प्राइस जो कि इंडस्ट्री फिक्स करती है उसी पे सेल किया जाता है, तो जो डी ग्रेड की लैंड है इस पे कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि जो बी ग्रेड की लैंड है तो उस पे हमें कुछ थोड़ा सा रेंट जो है उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है और जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस होता है। और उसी तरह क्या है कि जो ए ग्रेड की लैंड है उसको ज्यादा रेंट मिलता है, क्योंकि उसकी प्राइस और कॉस्ट के अंदर जो है डिफरेंस ज्यादा होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेंट इन इंटेंसिव कल्टिवेशन, देखो इंटेंसिव कल्टिवेशन का अर्थ होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा है वो फिक्स है, जैसे मेरे पास 1 हेक्टेयर है तो मैंने उस पे क्या है कि ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे लेबर और कैपिटल की मात्रा जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब मैं लेबर को इंक्रीज करती हूँ तो वहां पे घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम होता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक लेबर ऐसी अवेलेबल होती है जिसके ऊपर हमें कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता, जिसको हम इंटर मार्जिनल कहते हैं। ओ एक्सिस पे हम लेते हैं डोजेज ऑफ लेबर और जो ओ वाई एक्सिस है वहां पे हम लेते हैं प्रोडक्शन। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लेबर जो इंटर मार्जिनल लेबर है जिसके ऊपर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होता, और बाकी जो जैसे हम एक लेबर को रखते हैं तो वहां पे हमें 8 क्विंटल की पैदावार होती है, दो को रखते हैं तो हमें 6 की, और तीसरे को रखते हैं तो 4, और चौथे को रखते हैं तो 2, जहां पे हमें कोई बेसिकली क्या है कि कोई जो है उसके ऊपर हमें कोई जो है उसके ऊपर हमें अवेलेबल रेंट जो है कोई उत्पन्न नहीं होता। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है इसको काफी सारे अर्थशास्त्रियों ने क्रिटिसाइज किया है। तो देखो सबसे पहले है कि जैसे रिकार्डियन थ्योरी के अंदर हमने ये अजम्पशन ली, रिकार्डियन ने जब रेंट को डिफाइन किया तो उसने कहा कि भूमि की शक्ति जो है मौलिक और अविनाशी होती है। तो उन्होंने कहा कि भूमि की शक्ति ना तो मौलिक होती है ना ही अविनाशी होती है। भूमि की शक्ति जो होती है उसको हम जो है फर्टिलाइजर के द्वारा जो है चेंज कर सकते हैं। और ये भी हिस्टोरिकल रॉन्ग है, जैसे इसके अंदर हमने अजम्पशन ली है कि भूमि को हमने उपजाऊ के कर्म के अंदर जो है कल्टीवेशन करना है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कहीं पे भी नहीं पाया गया कि जो ज्यादा उपजाऊ है उसको पहले कल्टीवेट करना है। तो जो सबसे पहले अवेलेबल होती है चाहे वो ज्यादा उपजाऊ है चाहे कम उपजाऊ है उसकी कल्टीवेशन होती है, तो ये हिस्टोरिकल गलत है कि उपजाऊ शक्ति के कर्म के अंदर हमने कल्टीवेशन करनी है। और उसी तरह अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि कोई जमीन ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर हमें कोई रेंट नहीं मिलता, हर एक जमीन कुछ ना कुछ रेंट प्रोवाइड करती है चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। और रेंट जो होता है इस वजह से नहीं होता कि वो फर्टिलिटी की वजह से होता है, इस वजह से होता है कि रेंट जो लैंड है उसकी स्केयरसिटी है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है ये मानते हैं कि रेंट सिर्फ लैंड को अवेलेबल होता है, रेंट एवरी फैक्टर को अवेलेबल होता है जिसकी सप्लाई शॉर्टेज में होती है। और देखो यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि जो लैंड है सिर्फ खेती बाड़ी के लिए यूज होती है, किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकती, बट लैंड की अल्टरनेटिव यूजेज होती हैं। तो उसी तरह क्या है कि ये भी अजम्पशन गलत है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था जो है पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता जो है एक इमेजिनरी है तो वो नहीं पाई जाती।